महाराज के आनंद की है। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव स्वामी रामचंद्र परमहंस विदेश भ्रमण के लिए गए तो कुछ लोग मिले अपरिचित थे। महाराज का परिचय पूछा, महाराज ने उनका परिचय पूछा, फिर कहते हैं भाई आप अमेरिका में कैसे आए। तो उन्होंने कहा अमेरिका में हम इसलिए आए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम कौन। हम इसलिए आए कि हम ये बताना चाहते हैं कि तुम कौन। उन्होंने कहा महाराज ये कैसी बात करते हो, हम कौन क्या हम नहीं जानते कि हम कौन। बस उन्होंने कहा बस यही बात, तुम जानते होते तो मुझे भारत से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। केवल मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ कि जो तुम जानते हो ये गलत है। फिर क्या है महाराज, बस सत्य क्या है, ये जो तुम अपना परिचय बता रहे हो ये तुम नहीं। फिर कैसे, कहते हैं तुम नहीं हो, ये कहते हो कि ये हमारा शरीर है। तुम ये कहते हो कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, हमारा पांव है, तो फिर तुम कौन। ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम कौन। उन्होंने कहा महाराज ये विद्या तो हमने आज तक पढ़ी नहीं। उन्होंने कहा बस मैं यही तो पढ़ाने आया। उन्होंने कहा चलिए महाराज, महाराज जी का जो है लिवा गए, बैठाला, स्वागत सत्कार किया, चला प्रसंग। इसी तरह से एक हमारे जो है व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए। सुखदेव जी को पिता ने भेजा वेदांत पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। वहाँ से जब पढ़ करके आए तो कहने बेटा क्या क्या पढ़ा। उन्होंने कहा मैंने चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण सबका अध्ययन किया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दो। उन्होंने कहा ठीक है बताइए। उन्होंने कहा ये बताओ जिससे सब कुछ पढ़ा जाता है उसको भी तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जिससे सब कुछ पढ़ा जाता है उसको भी पढ़ाया कि तुमने नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा ये आप विलक्षण क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जिससे पढ़ा जाता है वो क्या है। उन्होंने कहा जाओ तुमने अभी कुछ नहीं पढ़ा। जैसे हम आप शक्कर के बारे में वेद वेदांत पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, पोथी की पोथी पढ़ डालें, लेकिन शक्कर को जान पाएं कभी, पढ़ करके शक्कर के बारे में जान पाएं कुछ, शक्कर का स्वाद जान पाएंगे। अब पढ़ो नहीं और उसको थोड़ा सा एक चुटकी तो सब है। इसलिए कहते हैं नारायण का भजन करो नर, मन की छोड़ भटक ना सारी, जब तब योग कठिन कलिमाही, थोड़ी उम्र काम बहु भारी, शास्त्र अनेक पढ़ो दिन राती, अरे मुक्ति न हो बिन भजन तुम्हारी, ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, हरि का नाम सुमिर सुखकारी। नारायण का भजन करो नर, मन की छोड़ भटक ना सा। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन में सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि मैं कौन। और इसी पाठ को स्वामी जी के जो शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद, वो भी अपने एक गुरुदेव के पास पहुँचे एक दिन। तो कहते हैं गुरुदेव का दरवाज़ा बंद था, बाहर से कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज़ आती है कौन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रभु मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन। उन्होंने कहा अच्छा
आओ। इसी तरह से एक बार भगवान श्री राम चित्रकूट में पहुंच रहे हैं इसी बात को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ पहुँचे, वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि आश्रम में जब पहुँचे तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि प्रभु मैं दशरथ का बेटा, पिताजी की आज्ञा से कुछ काल चित्रकूट में बिताने के लिए, आप लोगों का सत्संग करने के लिए, आप लोगों से वो जानकारी करने के लिए जो हम नहीं जानते, हम आपके दर में आए हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, आपने अपना परिचय बताया। वाल्मीकि कहते हैं प्रभु ये आप परिचय ना भी बताते तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे सब मालूम है कि आप किस लिए आए, इसकी बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे स्वामी जो है रामचंद्र परमहंस गए थे, वो यही बताने आए थे कि जो तुम जानते हो ये गलत है, सही क्या है। तो भगवान कहते हैं प्रभु मैं जितना जानता था मैंने आपसे बता दिया, अब इसके बाद इसके आगे जो भी जानते हो वो आप मुझे बताइए। अब प्रश्न यहाँ उठता ये है कि क्या भगवान नहीं जानते थे कि मैं कौन? जानते थे, लेकिन वो कहाँ गए? वाल्मीकि जी यहाँ इसलिए गए कि प्रभु वो हमको दिखाना चाहते कि हमारा वास्तविक परिचय जिससे हम अनभिज्ञ हैं वो तुम घर बैठ करके नहीं जान सकते। किसी संत दरबार में, किसी सद्गुरुदेव के पास में जो तत्वदर्शी हो, जो ये जानता हो कि मैं कौन हूँ, उसके पास हमें जाना होगा। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि यदि इस प्रश्न का तुम हल करना चाहते हो जीवन में तो किसी संत दरबार में बिनु सत्संग जाना पड़ेगा। तो आइए जो चर्चा भगवान ने और वाल्मीकि के सम्मुख हुई वही हम थोड़ा सा प्रसंग रखने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपने जो बताया ये आपने अपने देह का परिचय बताया, लेकिन ये रूप का परिचय है और मैं जो बताने जा रहा हूँ अब आप स्वरूप का परिचय सुनिए। आप जो वास्तविक आप हो ये तो आपको देह, इसको तो आपने धारण किया। फर्क इतना ये है कि एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि मैं इस देह को धारण कर रहा, और आप तो स्वयं निज इच्छा निर्मित प्रभु हैं, आप तो स्वयं अपनी इच्छा से ये रूप आपने धारण किया है, और वास्तविकता आपकी क्या है? कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार। देखो एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। स्वरूप मान लगा अपना, ये हाँ ये देह का रूप है, और हमारा जो रूप है उसकी चर्चा हमें आपको सत्संग में मिलती है। क्या है बता रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। उसको वचनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, मुखारविंद से नहीं कहा जा सकता। जैसे हम शक्कर के बारे में कहें, कितनों कहें तो क्या उसका पूरा हो जाएगा? उसको तो अनुभव करना पड़ता है। इसी तरह से कहते हैं तुम्हारा जो स्वरूप है, जो तुम जो स्वयं का स्वरूप है, उसको मैं वचन से इंद्रियों से नहीं कह सकता, क्योंकि वो अगम है अपार। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, और कैसा है, अविगति अकथ अनाम क्या है, अपार और नेति नेति नित निगम का।
उसको वेद कहते हैं। कैसे कहते हैं? नेत नेत करके, अर्थात जो तुमको समझ में आ रहा है ये तुम नहीं। वेद कहते हैं, किस तरह से वेद कहते हैं, तो कहने का भाव क्या है यहाँ, यदि हम ये जानना चाहते हों कि हम कौन हैं तो इसको जैसे वेद कहता है वैसे हमें भी कहना पड़ेगा। वेद कहते हैं कि जो तुम्हारे समझ में आ रहा है उसको नेति नेति कर दो, अर्थात ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। क्यों? कि जो हमारे सामने होता है वो हमसे अलग होता है। कांगना ये नियम है, जिसको हम देख रहे हैं वो हमसे अलग है। तो जो हमको दिख रहा है वो तुम नहीं हो, बल्कि इस दिखने को जो देख रहा है वो तुम। ये कैसे मालूम होगा? वेद कहते हैं कि जब साधना काल में, जब ध्यान अवस्था में अपने को जानने का प्रयास करो तो कैसे करो, कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो। हाँ, वो तुम नहीं हो, बल्कि तुम उसको जानने वाले हो। आगे क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगति अकथ्य अपार नेत नेत नित निगम का है। फिर कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, तुम कौन हो? इस जगत को देखने वाले। जग पेखन, पेखन माने होता है अनुभव करना, या जो दृश्य तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तुम नहीं हो। जग पेखन तुम देखन हारे, तुम इसके कौन हो? तुम देखने वाले। और इसकी महिमा क्या है? विधि हरि शंभु न चामन हरि, अर्थात वो तत्व तुम हो जिस तत्व से ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा होते हैं, गति करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अर्थात वो चेतन तत्व तुम हो जिससे सारा संसार चल रहा है। वो है तुम्हारा स्वरूप। तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा रूप है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है? इसी तरह से हमें समझना ये है कि हम जो ये देख रहे हैं ये हमारा है रूप, और इसके अंदर जो बैठा है वो है स्वरूप। तो उस स्वरूप को जानने के लिए क्या करोगे? उस स्वरूप को जानने के लिए जो दिखाई दे रहा है इसका बात करना है। जैसे एक आप प्याज ले, अब प्याज का ऊपर का बगला निकाल दो, इसके बाद फिर खोलो, उसमें छीलते चले जाओ प्याज को, उसमें क्या है? उसमें परत की परत निकल भी चली जाएगी, अंत में सब कुछ निकल जाएगा, कुछ बचेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमसे पूछें कि प्याज छीलने के बाद ये बताओ वहाँ कोई बचा कि ना बचा, तो कहते हैं भैया प्याज में तो कुछ नहीं बचा, लेकिन प्याज जो छीन रहा था वो तो बचा। तो बस, तो जो प्याज को छील रहा था वो तुम हो, प्याज नहीं हो तुम। प्याज है संसार, ये जागृत क्या है? ये प्याज की तरह। स्वप्न क्या है? प्याज के छिलके हैं। गहनीन क्या है? ये प्याज के छिलके हैं। लेकिन इन इन जागृत, स्वप्न और सुत में जो बैठा है, जो ये कह रहा है कि ये जागृत है, जो ये कह रहा है ये स्वप्न है, जो ये कह रहा है ये सुसुप्त, जो ये कह रहा है कि मैंने आज सपने में देखा, जो ये कह रहा है कि हम अभी बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, जो गहरी में जा करके वो सो जाता है, तो तीनों जहाँ समाप्त हो जाते हैं वहाँ भी कोई ऐसा है जो ये कह रहा होता है कि हमें भाई आज बहुत अच्छी नींद लगी। वो क्या है? वो वही है जो प्याज को छील रहा था, जो ये कह रहा था कि ये जागृत नहीं है, जो ये कह रहा जागृत है, जो ये कह रहा था ये स्वप्न है, ये कह रहा था सुसुप्त है, जो जो छीन रहा था वो उसके छिलके निकाल रहा था। तो ये हमारा आपका जागृत, स्वप्न, सुसुप्त क्या है? ये प्याज की तरह है और इसमें छिलके से भरा हुआ है। लेकिन इसको जो जिस जिस जिसके हाथ में वो प्याज है वो तुम हो। जिसके हाथ में शरीर है
जिससे शरीर चल रहा है, जिससे शरीर हिल रहा है, जिससे शरीर गति कर रहा है, जिससे शरीर सुन रहा है, जिससे शरीर बोल रहा है, वो तुम हो, तुम ये नहीं हो। जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचामन। फिर आगे कहते हैं, केऊ न जाने मरम तुम्हारा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस भेद को नहीं जान सकते। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये रहस्य नहीं जानते कि तुम देखने वाले हो, तो बताओ भला मैं कैसे जान सकता हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो, ये तुम स्वयं नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानना। तो कहते महाराज, तो फिर कौन जानेगा? तो कहते हैं, सोई जाने जही देव जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें भर जाई। हे प्रभु, जिसको आप जना दो, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, अथवा यूँ कह दो कि जिसको आपके माध्यम से, आपके द्वारा कोई संत महान पुरुष मिल जाए और उस पर आपकी कृपा हो जाए, वही जान सकता है। इसके अलावा यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वयं को बैठे जानने उनके लिए, तो वो भी नहीं जान पाएंगे। जैसे एक बच्चा पिता को जानने के लिए क्या करे, कहीं जाए दुनिया में, अपने पिता को नहीं जान सकता। एक ही रास्ता है कि मेरा पिता कौन है, वो जान सकता है केवल एक माँ की माध्यम से। इसी तरह से कहते हैं वाल्मीकि महाराज, इस रहस्य को जो आप जानने के लिए यहाँ आए हो, इसको कोई भी संत के द्वारा ही जान सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जानना चाहें तो इस रहस्य को वो नहीं जान सकते। इसीलिए हमें आपको जीवन में करना क्या है, जीवन में सब कुछ करो, लेकिन इस प्रश्न को, जिस प्रश्न को अमेरिका नहीं जान पाया, जिस प्रश्न को दुनिया नहीं जान पाई, जिस प्रश्न को भगवान श्री राम भी नहीं जान पाए बिना गुरु के, तो हमारा आपका ये बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में, ऐसे संत दरबार में, ऐसे सत्संग में भगवान की कृपा से, श्री रामचरित मानस के माध्यम से, गीता के माध्यम से, सत्शास्त्र के माध्यम से हम ये जान सके, या हम जान पाए, या हम जान सकते हैं कि मैं कौन। और यदि हमने इस प्रश्न का हल कर लिया, कहते हैं, आया था किस काम को, हम यहाँ क्यों आए थे, हम इसलिए आए थे, आया था किस काम को, सोया चादर तान, असुरत संभालेगा फिर अपना आप पहचान। मतलब क्या है, हमारे आने का उद्देश्य, हमारे आने की सार्थकता यही है। यदि हम इस प्रश्न को जीवन में हल कर सके, तो ही हमारा यहाँ का आना सार्थक है। क्योंकि यह प्रश्न किसी भी देश में, ध्यान देना, किसी भी योनि में ये प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। एक यही प्रश्न, ये केवल भारत में, और वो भी संत के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। इसीलिए भारत को आज जो है वो विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न केवल हमारे मनुष्यों ने ही हल करके हमको दिया, और हाँ, और कहीं नहीं हुआ। तो कहने का भाव हमारा ये है कि हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे देश में, ऐसे सत्संग में और ऐसे सद्गुरुओं के पास जा करके हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। और यदि हमने ये हल कर लिया कि मैं कौन हूँ, तो तुम ये जान जाओगे कि तुम क्या हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि।
और जानने से क्या होगा, कहते हैं सोई जाने जही देव जनाई और जानत तुम ही हो। अर्थात जिसको तुम ढूंढ रहे हो, अर्थात जिस पर हम भूले हुए हैं, कहते हैं आप बुलाना आप। लहर पानी की बनी है और वो पानी से अनभिज्ञ, कहते हैं जो आनंद, कहते हैं आनंद सिंधु मग तौबासा। हमारा आपका वास कहाँ है, मछली कहाँ रहती है, हम आप कहाँ रहते हैं, आनंद सिंधु में रहते हैं। अर्थात हमारे जैसे मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसे हमारे चारों तरफ आनंद ही आनंद, परमात्मा ही परमात्मा। लेकिन कहते हैं आनंद सिंधु मद कव भाषा और बिन जाने मरत प्यास। हम आप प्यासे हैं कह के सुख के लिए, हम आप प्यासे हैं आनंद के लिए, हम प्यासे हैं अमर होने के लिए, जबकि ये सब तुम्हें प्राप्त है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि हम उससे क्यों अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उसको जानते हैं। जैसे पानी में मीन प्यासी सुन सुन मियावत हंसी, कितनी हंसने वाली बात है कि जल में मछली को प्यास लगी। ऐसे हमें कितने हंसने की बात है कि हम ऐसे आनंद सागर में बिंदु बन के बैठे हों और उस सागर से अनभिज्ञ हों। अच्छा देखो, सागर में बिंदु रहती है लेकिन बिंदु सागर से अनभिज्ञ, कितनी कितनी जो है एक नीच बात है, कितनी अफसोस की बात है। क्यों, इसलिए कि वो ये नहीं जानती कि मैं सागर का ही अंश हूँ या सागर ही हूँ। क्यों, कारण उसका ये है कि कारण ये है कि उसके बूंद के दायरे में वो बंधी हुई है। ढंग ना बूंद के चारों तरफ जो है वो क्या है, वो लपेटा है माया का, इसीलिए तो बूंद कहलाती है। जैसे मान लो अब ये गांठ है, तो गांठ जो है क्या है, ये साफी में ही है कि नहीं, लेकिन ये साफी से अनभिज्ञ है, ये इसी में रमण करती है, इसी से उत्पन्न होती है, इसी में रहती है, लेकिन साफी से वो अनभिज्ञ। ऐसे हम आप परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं, बूंद सागर से ही बन रही है, सागर में ही रहती है और सागर से ही अनभिज्ञ। तो करें क्या, करें बस ये कि जो बूंद का बंधन है, बंधन क्या है, बंधन है नाम और रूप। यदि ये गांठ इसका नाम और रूप हटा दें, हम कहें भैया दुद्धा इसका नाम ना देखो, रूप ना देखो, तो क्या है फिर ये, तो इसी अच्छा अब प्रश्न उठता है कि ये क्या कभी हट सकता है। तो हम आपसे पूछें कि जब आप सोते हो तो वहाँ हट जाता है कि नहीं हट जाता, न वहाँ नाम रूप नाम रहता है न रूप रहता है, और हम आप सो जाते हैं तो बस जिस बिंदु पर हम सो जाते हैं उस बिंदु पर जाग कर देखना है कि हमारा एक समय ऐसा हो कि नाम और रूप ना हो, तो आप अपने को जैसे साफी पाएंगे, ऐसे जैसे बिंदु का नाम और रूप हट जाए तो क्या है, वो सागर ही। इसीलिए हमारे मनीष ने कहा Thank you.
देखो विज्ञानानंद जी कहते हैं, सद्गुरुदेव कहते हैं, पलट के देखो। जैसे कबीरदास कहते हैं मछली पलट के देखे तो उसकी प्यास, तो हमें आपको लौटना है, पलटना है, जो हमारी दृष्टि बाहर जा रही है इसको अंतरंग करना है। नाम रूप आधारा है, नाम और रूप का आधार क्या है, अभी जो बताया नाम रूप का आधार है साफी, नाम रूप का आधार है सागर। तो हम आप नाम रूप, अच्छा और भगवान ने हमको ये नाम रूप जो है नित्य प्रति हमारा विदा कर देता है, लेकिन हम प्रगति के द्वारा सब हो जाता है, लेकिन हम पुरुषार्थ के द्वारा नहीं कर पा रहे। और ऐसा यदि हम कर सकें, और ये कैसे होगा, ये होगा उसके चिंतन से, ये होगा उसकी कृपा से, ये होगा सद्गुरुदेव की कृपा से, ये होगा भगवान में डूबने से। इसलिए हमें आपको इस प्रश्न को अपने जीवन में हल करना है, यही हमारा उद्देश्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम।